बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला जो आपको मैं बताऊं वो फटाफट आपको मिल जाए और जल्दी से आप वो अमल करें, ताकि आप मतलब कि आप अगर सुन भी लेंगे तो आपको कभी ना कभी याद आएगा, या आपका कोई प्यारा या कोई आपसे आपका दोस्त अहबाब या कोई बहन भाई आपसे पूछता, फौरन उसको वो अमल बता दें, उसकी मुश्किल आसान करें तो पूरी दुनिया की मुश्किल आसान होने के बराबर है। हमारे पेज को जो फेसबुक है वहां पर आप ज्वाइन हो, वो मदरसे का फेसबुक पेज है। मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत से ऐसे बहन भाई पूछ रहे थे कि आप ही हमारा जो पहला मदरसे का फेसबुक पेज है वो क्यों नहीं ऑन हो रहा। असल में वो हैक कर लिया गया है, उसकी मेल और जो पासवर्ड है वो किसी मतलब कोई और उसको यूज कर रहा था, तो हम उसके ऊपर पोस्टें लगा रहा था और उसको मतलब कि गलत इस्तेमाल कर रहा था। तो हमने कुछ अरसे के लिए फेसबुक से रिक्वेस्ट किया कि हमारा पेज जो है इसको मतलब कि स्टॉप बंद करें, तो उन्होंने फौरन बंद कर दिया था। तो हमने पूरी कोशिश की है कि जैसे ही वो ठीक होगा तो इंशाल्लाह आपसे उस पेज पर भी रब्ता हम कर लेंगे। थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आ रही थी तो इस वजह से हमने उसको बंद किया। तो आज जो सबसे प्यारी अहदीस है उसकी तरफ चलते हैं। जो मैं आपको अहदीस पहुंचाती हूं, मैंने अपना फर्ज अदा किया, अब आगे आपका फर्ज है कि आप किस हद तक इस अहदीस को लोगों तक पहुंचाते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा नहीं करता और इससे लड़ाई गुस्सा नहीं करता, तो जन्नत में मैं उसके घर का जामिन हूं, जन्नत में मेरे साथ वो खड़ा होगा, जन्नत में आसी वसल्लम खुद जो है वो उसका साथ देंगे। सजदे में सिर्फ अल्लाह के लिए ही पुकारा जाता है और अल्लाह ताला को ही पुकारना चाहिए। हजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्रों को सजदागाह ना बनाओ। देखें, सजदा सिर्फ अल्लाह पाक, सिर्फ मेरे रब का सजदा, कोई मतलब के क्यों मतलब की सजदा करे। हम तो बनाउज़बिल्लाह, अगर किसी को देखें भी किसी को ऐसे सजदा करता हो तो उसको फौरन मना करें कि सजदा सिर्फ मेरे रब का है, ठीक है, मेरे रब के पास उसकी अहमियत भी है। अगर आप किसी को सजदा करते हो तो क्या वो आपको खजाना दे देता है? क्या वो आपको आपकी मुश्किलें आसान कर सकता है? नहीं ना, सवाई अल्लाह के। तो अल्लाह चाहे तो खजाने दे, अल्लाह चाहे तो मुश्किल आसान करे। तो आज का प्यारा सा वजीफा और प्यारा सा अमल, बहुत लाजवाब, बहुत ताकतवर, आज मैं आपको अंडे पर किया जाने वाला अमल बताने लगी हूँ। एक दफा जरूर करें, तरीका जो मैं आपको बताऊंगी वो आप कर सकते हैं, यकीन माने बहुत आसान है। अंडे के ऊपर आपने बिस्मिल्लाह लिखनी है, ठीक है, अंडे के ऊपर आपने बिस्मिल्लाह लिखनी है। हाथ के साथ भी आप बिस्मिल्लाह लिख सकते हैं, मतलब कि मार्कर का इस्तेमाल ना करें, पेन का इस्तेमाल ना करें, तो हाथ के साथ भी लिख सकते हैं। नीचे हाथ के साथ ही आप अपना नाम, अपनी वालदा का नाम, जिसके लिए अमल करें उसका नाम, उसकी वालदा का नाम। बेशक आप अंडा इस्तेमाल उसके पर पेन मार्कर या कोई और चीज करें ना करें, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप खुद लिखें तो ज्यादा मुतबर है, क्योंकि आप अपने प्यारे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, अपने प्यारों को मनाना चाहते हैं, अपने प्यारों के लिए तड़प रहे हैं, तो आप खुद करें तो ये बहुत लाजवाब है। आपने हाथ के साथ लिखना है, उसके बाद आपने क्या करना है, उस अंडे को आपने रात को आपने उसके अंदर, जो मैं आपको पढ़ाई बताने लगी हूँ वो पढ़ाई आपने करनी है, ठीक है, पढ़ाई या लतीफो या वदूरो, दो लफ्ज। अंडे को आपने पास रखना है, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पाक साफ होके दो नफल हाजत के पढ़ के, ठीक है ना। अब वो अंडा जो है आप किसी को भी खाने के लिए दे सकते हैं, आपके घर का फर्द खाए तो कोई मसला नहीं है, आप के घर में घर के बाहर कोई गरीब इंसान खाए तो वो भी मोतबर है, आप वो अंडा किसी को भी दे सकते हैं। एक अंडा देते हुए बंदा अच्छा नहीं लगता तो दो अंडे रख देता है, तो दो दे देता है, मतलब कि दोनों का भी जाहिर है, एक अंडे की अपनी ताकत है, दूसरे की ज्यादा ताकत होगी। तो आपने कम अज कम इशा की नमाज के बाद आपने पढ़ाई करनी है, या लतीफू या वदूद, और पढ़ना कितनी मरतबा है, 341 मरतबा, 341 मरतबा अव्वल आखिर दुरूशी के साथ। पहले आपने पाक साफ होके दो रकत हाजत नफल पढ़ के अंडे के ऊपर पढ़ाई करनी है, ठीक है, पहले नाम लिखें और कोशिश करें कि अंडे को आप अपने हाथों पे कोई खुशबू लगा के ना,
तो फिर आप मतलब कि अंडे को पकड़ें या उसके ऊपर नाम लिखें। हाथ के साथ ही आपको पता तो जाहिर लग ही जाता है कि हम यहाँ बिस्मिल्लाह लिख रहे हैं, यहाँ पर अपना नाम लिख रहे हैं, यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे भी आप लिखें, मार्कर से भी लिख सकते हैं। तो मार्कर से मेरे नजदीक तो मार्कर से अगर मैं खुद आपको बनाकर देती या आप मुझसे लेते तो मैं आपको फिर बताती कि इसके ऊपर कैसे लिखना है, ठीक है। लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने बताया है कि आपने बिस्मिल्लाह लिख कर अपना नाम, अपनी वालदा का नाम, उसका नाम और उसकी वालदा का नाम लिखना, ठीक है। फला भी फला, ठीक है, फला भी फला, तो ये लिखना है। अब आपने अंडे को किसी को भी खाने के लिए दे दे, सुबह उठ के फौरन एक काम करें, रात को करिए आपने ये काम किया, सुबह उठ के अंडा अगर दिल चाहे तो अपने पास रखें, दिल चाहे तो अपने जहां पर आप सोते हैं वहां पर रख लें। अब आपने क्या करना है, दो अंडे लें, तीन लें, एक लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी अपनी पसंद है, ठीक है। अब आपने पढ़ाई करनी है उसके ऊपर, या लतीफ़ या वदूदू, ठीक है, वो पढ़कर आपने दम करना है। वला खुशी अल्लाह से दुआ करनी, सजदे में जाके दुआ करें, अल्लाह से फरियाद करें, या अल्लाह पाक ये मेरा काम कर दे। ये जो अंडा है ना, तो मैं किसी को ना सदके के तौर पर दे देती हूँ, इस तरह की दुआ करें, या अल्लाह पाक ये मैंने अल्लाह की राह में दिया। आपको पता है अंडा, अंडे के मसला पता है कि अंडा एक जिंदगी को पैदा करता है, ठीक है ना। और आप सोचे तो आप किसी को अल्लाह की राह के लिए दे रहे हैं, ठीक है। तो बस इसका ये तलक होता है कि एक मोतबर होता है, बहुत ज्यादा मोतबर होता है। तो आप अपने घर के अपनी फैमिली को भी खिला सकते हैं, लेकिन खुद नहीं खाना, आपने खुद चखना भी नहीं है। रिश्तों की बंदिश, मियां बीवी का मसला, अपने प्यारों को पाने का मसला, तीन दिन के अंदर अंदर अमल ना कामयाब हो तो फिर कहिएगा, अगर आप तरीके से अमल करें तो, बावजू होके दो नफल हाजत के पढ़ के, अगर ईशा के टाइम नहीं कर सकते तहज्जुद के टाइम करें, और यकीन माने इतना सवाब भी मिलता है आपको, और आपका अमल जिस मकसद के लिए भी करें वो मकसद आपका अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो जाता है। एक दफा ये अमल जरूर कीजिएगा, और इंशाल्लाह अगर आप अपनी बहन से भी मदद लेना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आप कमेंट्स बॉक्स में भी बात कर सकें हमसे, और हमारा जो मैसेंजर है फेसबुक है वहां पर भी आप ज्वाइन हो जाएं, तो इंशाल्लाह वहां पर भी आपकी भरपूर मदद की। जज़ाकअल्लाह खैरा।